असेंबलियों से निकलने का फैसला अटल है, कोई तब्दीली नहीं होगी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का अहम ऐलान। जमान पार्क में खिताब के दौरान हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुजाकरात की तर्दीद करते हुए कप्तान का कहना था कि इनके साथ बैठकर क्या करें, इनके पास क्या फार्मूला है, इन चोरों पर कौम और सरमायाकारों को एतमाद नहीं है, ये लोग मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। पीटीआई चेयरमैन ने बताया कि मेरी असेंबली से निकलने की तैयारी दिसंबर में हो जाएगी, असेंबली से निकलने के प्लान में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। मुल्क की दौलत लूटने वालों पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम पर चोरों का टोला मुसल्लत किया गया, ये लीडर 30 साल में अरबों रुपए चोरी करके बाहर ले गए, जिनका पैसा बाहर है इनको रुपए की कदर गिरने से फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे दौरे हुकूमत में शोर मचाया हुआ था कि मैंने महंगाई कर दी, अब वो चैनल चुप है। इंतजार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आजादी मार्च आज रवान। आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी चार सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीले पीले चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। ओ यहाँ पे कोई दो नंबरी नहीं चलेगी। ओ हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर वन चैनल चलेगा बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।